जिनका बारे में है। अगर आपका भी धान का सिल्की के साथ आपका चावल निकल कर आ जाता है पीछे से, तो गाइस कौन सा पार्ट आपको चेंज करना होगा और कौन सा चेंज नहीं करना होगा, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, आपको मैं सारी दिखाऊंगा। इसमें आपको अगर उस तरह की चावल भी निकल कर आ जाता है धान का सिल्की का पाउडर के साथ, तो गाइस आपके लिए कौन सा पार्ट्स आपको बदलना होगा, तो वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। और आप देख रहे होगा मेरा होलर ए सामने से आपको दिखा रहा है मैं क्लोज करके, तो गाइस इस तरह से कुछ होलर को दिखने को मिलता है। अगर आपके पास होलर है ऑलरेडी तो आपको पता होगा किस तरह अपना डीजल जो कि अपने डीजल इंजन से चला रहा है वो होलर किस तरह के होता है, तो गाइस इस तरह के होता है, ठीक है। तो सारे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप कौन सा पार्ट चेंज करना होगा और किस तरह चेंज करना होगा, तो गाइस आप देखते रहे लास्ट तक इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन आप देख रहे हो उसको क्लिक कर दे और बेल आइकन को भी सेट कर दे, ताकि इस तरह की नया और लेटेस्ट वीडियो आपको रोज मिलते रहे। इस पूरी वीडियो हमारी तरफ से माई ग्लोबल एक्टिविटीज से, तो गाइस ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा है अभी अपना होलर मशीन, और फिर दिखाऊंगा कौन सा किस तरह की चावल का जो पाउडर धान का सिलका का पाउडर का साथ उसका साथ किस तरह धान चावल निकाल कर आ जाता है, तो गैस उसको किस तरह बंद करना। देखिए गैस ये मेरे पीछे से इस तरह से निकाल कर आ जाता है कभी कभार, जो कि अपना धान का ऊपर का पार्ट सेल होता है वो पीछे से पाउडर होकर निकल जाता है, उससे भी चावल निकल कर आ जाता है तुरंत। तो गैस इसको चावल को किस तरह बंद करना है और कौन सा पार्ट चेंज करना होगा सारी दिखाऊंगा मैं। आप मेरा हाथ में दिख रहा होगा गैस, ये देखिए पाउडर जो चिल्के के साथ धान का ऊपर का सेल है उसका साथ पाउडर होकर चावल भी निकल के आ जाता है, तो गैस इस तरह से थोड़ा चावल भी निकल के आ जाता है, तो गैस ठीक है, तो थोड़ा लॉस हो जाता है। तो किस तरह आपको ये बंद करना होगा तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गाइस। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि इस तरह की नया और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले हमारी तरफ से। तो गाइस अब मैं आ चुके पीछे की तरफ अपने होलर के पीछे की तरफ, तो गाइस देख रहे होगा आप यहाँ से जो कि डाउन का ऊपर का जो सेल होता है वो पाउडर होकर निकल के आ जाता है, उसका साथ चावल भी निकल के आ जाता है गैस थोड़ा, तो उसको बंद करना होगा, ठीक है, क्योंकि चावल तो आगे से निकल के आ जाता है और इस पीछे से तो उसका सेल जो कि पाउडर होकर निकल के आ जाते हैं, तो गैस उसका सर अगर धान भी चावल भी निकल के आ जाते हैं तो गैस उसको किस तरह बंद करना है। आप दिख रहे होगा यहाँ नेट, तो गैस पीछे का तरफ इस तरह से नेट दिखने को मिलेगा आपको होलर का पीछे, तो गैस इससे पाउडर होके जो पाउडर है धान का सिल्क धान का इस तरह की पाउडर निकल के आ जाता है गैस, ठीक है, तो इसका साथ चावल भी निकल के आ जाता है कभी कभार, तो इसको उसको किस तरह आपको बंद करना है तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी, तो जरूर लास्ट तक देखना। तो गाइस मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले आपको एक खोलना होगा, इसमें एक नट बोल्ट होगा। अगर आपका 10 नंबर का होलर है तो इसमें दो होता है, तो गाइस मेरा ये 4 या 5 नंबर का होलर है, मुझे याद नहीं था, तो गाइस इसमें एक ही होता है, ठीक है, 4-5 में एक ही होता है, तो इसको पहले मैं खोल लेता हूँ, मेरे पास एक ही नोट था, अगर 10 नंबर का होता तो 2 होता है। फिर इसको ओपन करना होगा आपको, खोलना होगा कुछ इस तरह से धीरे धीरे, ठीक है गैस, तो इस तरह से खोल के आपको दिखने को मिलेगा वो जो नेट है जाली है अपनी स्क्रीन है होलर स्क्रीन, उसको चेंज करना होगा। अगर बीच में फाट जाता है या उसका होल बड़ा हो जाता है तो पीछे से चावल निकल कर जाता है, अपनी जो उसका धान का ऊपर का पार्ट है सेल है उसका साथ पाउडर होकर धान चावल भी निकल कर जाता है गैस, तो उसको बंद करना है आपको इस होलर स्क्रीन को चेंज करके, ठीक है गैस। तो आप देख रहे होगा मेरा ये जो होलर स्क्रीन, मैं इसको निकाल लेता हूँ अभी और फिर आपको दिखा दो कहाँ फट गया मेरा और कहाँ किस तरह इसको चेंज करना है किस तरह खोलना है, तो इसमें जरूर आपको दिखाऊंगा इसमें स्टेप बाई स्टेप। तो गैस इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, ठीक है गैस, और कमेंट पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्शन पर। तो इसमें से आप देख रहे होगा हल्का हल्का मार के इसको निकालना होता है गाइस इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि इसका पार्ट जो बहुत ही स्लिम होता है तो गाइस धीरे धीरे मारना पड़ता है इसको, तो इस तरह से थोड़ा निकल कर हाथ से इसको खींच के निकालना होता है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से खींच के मैंने निकाल लिया और फिर देखते आपको दिखाता है आपको किस तरह कहाँ फट चुकी, तो गाइस देखिए ये दो पार्ट में होता है क्योंकि मैं ये सिंगल पार्ट ही लगा लिया है, तो इस आपको हो सके तो आप दो पार्ट वाला लगा दीजिए ताकि बीच में फट जाने से आपको वो घुमा के फिर वो काम चलता है, लेकिन एक बार फट जाने से गैस इसको पूरी चेंज करना होगा, ठीक है गैस। तो आप देख रहे होगा इस साइड में मेरा थोड़ा हल्का हल्का फट गया, तो उसी वजह से इससे चावल निकल कर आता है, इसका होल भी थोड़ा बड़ा हो गया जो कि अपना होलर का स्क्रीन का होल थोड़ा बड़ा हो गया, पुराना हो गया तो घिस घिस के भरा हो जाता है इसमें से, तो उसी वजह से
जो अपने पीछे से निकालते हुए पाउडर उसका सारी चावल निकाल कर जाता है। तो गैस बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो पर। तो गैस इसको चेंज करना होगा उसको बंद करने के लिए, जो कि अपने पाउडर का साथ धान आता है। तो गैस इतना ही इसका वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना। तो गैस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। See the